Good morning, class. This is question number 4 of exercise 6.2. So we are going to solve this question in this video. This question is again based on the concept of BPT, that is basic proportionality theorem. So here we have a question. So this is figure given to you in your textbook, figure 6.19. DE, this DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. What you have to prove? You have to prove that BF upon FE is equal to BE upon EC. So given, बच्चों मैंने लिख लिया, prove क्या करना है ये भी लिख लिया. चलिए prove solve start करते हैं. बहुत ही आसान है. सबसे पहले हम triangle लेंगे जिसमें DE जो है वो parallel to AC है. So DE parallel AC के लिए हमें कौन सा triangle लेना पड़ेगा? हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABC, जिसमें DE जो है DE वो पैरेलल टू AC है. सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC DE जो है वो पैरेलल टू दिया है AC के, ये आपके पास गिवन है. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. क्या क्या कहता है कि जब ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल होगी किसी भी साइड को तो बाकी दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है. वो डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो में. सो दैट मींस वी कैन राइट इट एज BD अपॉन AD या DA इज इक्वल टू BE अपॉन AC. BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC. BD अपॉन DA BE अपॉन EC. ये आपकी फर्स्ट हो गई. फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं. अगेन कौन सा ट्रायंगल? जिसमें डी एफ पैरेलल ए ई है. डी एफ पैरेलल ए ई, तो ए डी ई कौन सा ट्रायंगल? ए बी ई लेना पड़ेगा. ए बी ई, ए बी ई. इस ए बी ई में जो डी एफ है, डी एफ वो पैरेलल टू ए ई है. पैरेलल टू, तो DF अगर लाइन पैरेलल ट्रायंगल में है तो बाकी दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है. सो इन ट्रायंगल ABE, इसमें DF पैरेलल AE गिवन. सो अगेन देयरफॉर बाय फिर से BPT क्या होगा? BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू किसके बराबर? बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन डी ए, बी एफ अपॉन एफ ई. सो इसको हम सेकेंड मान लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव या वी गेट, देखो बच्चों फर्स्ट से बी डी अपॉन डी ए यहां भी आपके पास और बी डी अपॉन डी यहां भी आपके पास. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट बी एफ, ये जो बी एफ अपॉन एफ ई है ये बराबर है बी अपॉन ई सी. सो ये आपके पास हेंस प्रूव्ड हो गया. सो ये था क्वेश्चन नंबर 4.